हेलो एंड वेलकम टू टेली टॉकीज। दोस्तों, बिग बॉस सीजन 16 के घर से जाते जाते अंकित ने दी प्रियंका को बड़ी पावर। खेल गया अंकित, बता गया कि वो कितना बड़ा खिलाड़ी था। क्या कुछ हुआ है, चलिए हम आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में टेली टॉकीज की। लेकिन अगर नहीं किया है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं। बिग बॉस सीजन 16 के घर के अंदर से वीकेंड के वार में हुआ सबसे बड़ा एलिमिनेशन इस सीजन का, और वो था अंकित गुप्ता का। अंकित का एलिमिनेशन देखकर प्रियंका के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। लेकिन ये एलिमिनेशन पूरी तरह से प्लान किया था घर वालों ने और मेकर्स ने। तभी तो मेकर्स ने वोटिंग लाइंस को नहीं खोला था, क्योंकि मेकर्स को अंकित को ही निकालना था। लेकिन जाने से पहले अंकित ने प्रियंका को बहुत बड़ी पावर दी, ऐसी पावर जिसको पाने के बाद प्रियंका अब घर के अंदर और भी शानदार खेल खेलने वाली हैं। ऐसी पावर जिसको देख कर होश उड़ गए निमृत और टीना के, अर्चना को भी झटका लगा। जी हाँ दोस्तों, जब अंकित बाहर निकलने लगा तो उसके गले लग गई प्रियंका, फूट फूट कर रो रही थी। लेकिन यहाँ पर अंकित ने अपने गले से एक चेन उतारी, उस चेन में एक लॉकेट था और उस लॉकेट में कुछ बहुत ही खास लिखा था, क्योंकि अंकित ने अपना वो लॉकेट, अपनी वो चेन उतार कर प्रियंका को पहनाई और कहा, तेरी जीत पक्की है, तू किला फतह करके ही आएगी। पैच, तू किला फतह करके ही आएगी, तू जीत कर ही आएगी, और मेरी ये निशानी मैं तुझे देकर जा रहा हूँ। कभी भी इस घर में तू अपने आप को अकेला महसूस नहीं करेगी, तेरे गले में हमेशा मेरा ये लॉकेट रहेगा, जो तुझे हमेशा ये महसूस करवाएगा कि लोगों के लाख कोशिश करने के बाद भी मैं तुझसे अलग नहीं हुआ, मैं तेरे साथ ही हूँ। इसके साथ साथ अंकित ने अपनी जैकेट भी प्रियंका को पहना दी, जिस वजह से प्रियंका को ये महसूस होता रहे कि अंकित अभी भी उसके साथ है। उस लॉकेट के अंदर ईवल आई बनी हुई थी, दूर से देख रही थी ये चीज़ निमृत भी और टीना भी, क्योंकि आप सभी को याद होगा बीते साल यानी कि सीजन 15 में तेजस्वी को करण कुंद्रा ने अपना ईवल आई दिया था, जिसके बाद तेजस्वी शो को जीत कर ही बाहर आई थी, और अब वही ईवल आई मिल गया है प्रियंका को भी। इससे बड़ी पावर प्रियंका को कुछ नहीं मिल सकती थी। दोस्तों, इसे कहते हैं प्यार, इसे कहते हैं साथ। आप क्या कहेंगे, क्या आपको लगता है कि इसको पाकर प्रियंका और भी ज़्यादा खूंखार हो जाएगी? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।